यस, वील गो फॉर मोर क्वेश्चंस टुडे। जो नीट जेई में पूछे गए ऐसे कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, डायग्राम इज गिवन, एक डायग्राम दिया है। ये डायोड है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है डीसी ए, दिस इज बी। यहाँ पे उसने बताया कि ये प्लस 4 वोल्ट है एंड यहाँ पे बताया ये माइनस 6 वोल्ट है। ओके, ये प्लस साइड होता है डायोड का, ये माइनस साइड होता है एंड ये जो रेजिस्टेंस है ये 1 किलो ओहम रेजिस्टेंस है। दिस रेजिस्टेंस इज 1 किलो ओहम। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है उसने, कंसिडर द जंक्शन डायोड, ये पीएन जंक्शन डायोड है एज आइडियल द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू ए बी, वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू ए बी इज, हमें फाइंड करना है। ओके, हमारे पास ऑप्शंस दिए हैं 10^-2, 10^-1, 10^-3 एंड 0, सबकी यूनिट एम्पियर है। तो ऐसा क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिया है। नाउ बस हमें यहाँ पे करंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन देखिए, एग्जाम में पूछा है ये क्वेश्चन बच्चों। ये डायग्राम जो आपको दिया है उस पर थोड़ा सा आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए। नाउ यहाँ पे मुझे करंट फाइंड आउट करना है। अब देखिए, करंट फाइंड आउट करना है एंड मुझे यहाँ पे रेजिस्टेंस भी दिख रहा है, यहाँ पे मुझे पोटेंशियल डिफरेंस भी दिख रहा है एंड मुझे करंट फाइंड आउट करना है। मतलब आई कैन गो फॉर वी इक्वल टू आई आर ना, ओहम्स लॉ, वी इक्वल टू आई आर के लिए मैं जा सकता हूँ यहाँ पे। अब देखिए, आई यहाँ पे है, आर भी दिया है, वी भी है। अब देखिए, वी के दो वैल्यूज़ है, वी के यहाँ पे मुझे दो वैल्यूज़ दिख रहे हैं, बराबर है, प्लस 4 एंड माइनस 6। तो इस केस में हम हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल करते हैं, सो इट इज़ वी ए माइनस वी बी मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि दो अगर पोटेंशियल दिए हैं तो मुझे पोटेंशियल डिफरेंस लेना पड़ेगा। ये वी ए माइनस वी बी क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, इट इज़ वॉट पी डी, बड़े पोटेंशियल से छोटा पोटेंशियल माइनस करना है। बड़ा कौन है, प्लस 4 है, छोटा कौन है, माइनस 6 है। प्लस 4 बड़ा है, माइनस 6 कंपेरेटिवली छोटा है, सो वी ए माइनस वी बी मैंने यहाँ पे ले लिया। अब देखो, करंट एक ही है जो हमें निकालना है एंड रेजिस्टेंस भी एक ही है आर, रेजिस्टेंस एक ही दिया है सर्किट में। ओके, नाउ वी ए कितना है यहाँ पे, 4 है वी ए, माइनस वी बी कितना है, वी बी माइनस 6 है, दिस इज वॉट आई इंटू आर कितना है, 1 किलो ओहम, मतलब 1 × 10^3 ओहम आएगा, 1 किलो ओहम रेजिस्टेंस ओहम में चाहिए, सो 1 × 10^3 ओहम ये आएगा। बस इसको सिंप्लीफाई कर दो, ये 4 माइनस माइनस 6 ये हो जाएगा 10 इक्वल टू आई इंटू 10^3, सो करंट आएगा कुछ 10 डिवाइडेड बाय 10^3 मीन्स 10^-2, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। इफ इन पीएन जंक्शन डायोड अ स्क्वायर इनपुट सिग्नल ऑफ 10 वोल्ट इज अप्लाइड एज शोन, देन द आउटपुट अक्रॉस आरएल विल बी, ये लोड रेजिस्टेंस है, ये पीएन जंक्शन डायोड है, ये पॉजिटिव साइड, ये नेगेटिव साइड। ओके, नाउ यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज कितना आएगा, ऐसा उसका क्वेश्चन है। अब देखो, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, ये पूरा 10 वोल्ट लगा है। 10 वोल्ट मतलब कैसे होगा, ये पॉजिटिव साइकिल में 5 वोल्ट होगा एंड नेगेटिव साइकिल में 5 वोल्ट होगा, सो ये प्लस 5 एंड ये माइनस 5। पर इस फॉर्मेट में सिग्नल नहीं लगा है, इस फॉर्मेट में सिग्नल वहाँ पे अप्लाई किया है,
उसने दिया है डायग्राम, दोनों भी डायग्राम उसने क्वेश्चन में ही दिया है। ओके सो अब देखो, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल, इसको हम पॉजिटिव साइकिल बोलते हैं, इस पार्ट को हम निगेटिव साइकिल बोलते हैं, हमने देखा था ये हाफ वे एंड फुल वे रेक्टिफायर में। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल जाएगा अंदर, तो ये जो टर्मिनल होगा ये पॉजिटिव होगा एंड ये निगेटिव होगा, बराबर। सो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल जाएगा, समझो इस तरीके का पार्ट जब अंदर जाएगा, तब आई विल कॉल दिस एज ए, दिस वन एज ए बी। ए पॉजिटिव होगा, बी निगेटिव होगा। अब देखो यहाँ पे कनेक्शन देखिए डायोड के, ये पॉजिटिव से पॉजिटिव, ये निगेटिव से निगेटिव, मतलब ये फॉरवर्ड बायस हो गया ना। दिस वन इज वॉट फॉरवर्ड बायस, मतलब जब पॉजिटिव हाफ साइकिल मतलब प्लस फाइव अंदर जाता है तब फॉरवर्ड बायस होता है। ओके अब देखो, मतलब ये ऊपर का जो पार्ट है डॉटेड लाइन के ऊपर का पार्ट, ये जब अंदर गया तब डायोड फॉरवर्ड बायस हुआ, एंड जब डायोड फॉरवर्ड बायस होता है तभी आउटपुट आपका तैयार होता है। ओके अब देखिए, जब नेक्स्ट पार्ट अंदर जाएगा, निगेटिव हाफ साइकिल हम जिसको बोलते हैं, ये पार्ट जो निगेटिव हाफ साइकिल का पार्ट है, उस केस में क्या होता है, ए निगेटिव होता है, बी पॉजिटिव होता है। मतलब डायोड के कनेक्शन देखिए आप, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, पॉजिटिव के साथ निगेटिव, निगेटिव के साथ पॉजिटिव, मतलब डायोड अब क्या होगा, रिवर्स बायस होगा। ओके मतलब रिवर्स बायस होगा डायोड माइनस फाइव के लिए, मतलब रिवर्स केस में नो आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड, यहाँ पे कोई भी आउटपुट नहीं तैयार होता है, मतलब ये माइनस फाइव के लिए आउटपुट नहीं तैयार होगा एंड प्लस फाइव के लिए ही आउटपुट तैयार होगा। सो प्लस फाइव विल बी माई फाइनल आंसर, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। मतलब यहाँ पे माइनस फाइव वेस्ट गया है, उसके लिए कोई आउटपुट तैयार नहीं हुआ है, जो पॉजिटिव हाफ साइकिल था प्लस फाइव उसके लिए ही यहाँ पे आउटपुट तैयार हुआ है। मतलब आपने जो 10 वोल्ट अप्लाई किया था उसमें से आउटपुट कितना तैयार होगा, सिर्फ 5 वोल्ट ही वहाँ पे आउटपुट तैयार हो जाएगा, माइनस फाइव वहाँ पे कुछ काम नहीं करेगा, प्लस फाइव वोल्ट जो है वही वहाँ पे काम करके आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। एंड लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो आउटपुट होता है, इट इज आई इंटू आर एल, मतलब वी आउटपुट वोल्टेज कितना होगा यहाँ पे, 5 वोल्ट। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके देखिए व्हाट इज सेइंग, वो बोल रहा है हमारे पास एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है, इज कनेक्टेड इन सीई मोड, कॉमन इमिटर मोड में है, याद रखिए ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, कॉमन इमिटर मोड में काम कर रहा है, अ लोड रेजिस्टेंस ऑफ 800 ओहम। देखिए लोड रेजिस्टेंस उसने बताया है कितना है, लोड रेजिस्टेंस इज 800 ओहम, इज कनेक्टेड इन द कलेक्टर सर्किट, कलेक्टर साइड में ही होगा लोड रेजिस्टेंस ऑब्वियसली, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इट इज 0.8 वोल्ट। लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना दिया है, 0.8 वोल्ट। इफ द एम्पलीफिकेशन फैक्टर इज 0.96, अब देखिए एम्पलीफिकेशन फैक्टर मतलब क्या होता है, एम्पलीफिकेशन फैक्टर बीटा होता है ना, कॉमन इमिटर मोड है ना, कॉमन इमिटर मोड में क्या होता है, एम्पलीफिकेशन फैक्टर बीटा होता है, जिसको हम करंट गेन भी बोलते हैं, वो कितना दिया है उसने, 0.96। बीटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, आई सी बाय आई बी, उसका वैल्यू दिया है उसने डायरेक्टली 0.96। एंड इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इज 192 ओहम, सर्किट का जो इनपुट रेजिस्टेंस है जिसको हम बोलेंगे आर आई बोलेंगे, इनपुट रेजिस्टेंस को 192 ओहम दिया है। देन द वोल्टेज गेन एंड पावर गेन ऑफ द एम्पलीफायर विल बी, मतलब मुझे यहां पे निकालना है वोल्टेज गेन एंड पावर गेन, वोल्टेज गेन एंड पावर गेन इज हाउ मच। ओके ये है हमारा गिवन क्वेश्चन। अब देखिए वोल्टेज गेन पहले निकालते हैं, वोल्टेज गेन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, आउटपुट वोल्टेज टू द इनपुट वोल्टेज, वोल्टेज गेन लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किए थे, आउटपुट वोल्टेज टू द इनपुट वोल्टेज। अब देखिए
आउटपुट वोल्टेज मतलब लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो आउटपुट वोल्टेज होगा, क्योंकि आउटपुट कहाँ से कनेक्ट करते हैं हम, लोड रेजिस्टेंस की साइड से कनेक्ट करते हैं। ओके सो आपका आउटपुट वोल्टेज, ये जो लोड रेजिस्टेंस का वोल्टेज है ये एक्चुअली आपका आउटपुट वोल्टेज है। सो ये है 0.8। ओके अब इनपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे। इनपुट वोल्टेज जो इनपुट के अक्रॉस लगता है, इनपुट वोल्टेज मुझे निकालना पड़ेगा। V इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है। इनपुट वोल्टेज मतलब इनपुट करंट इंटू इनपुट रेजिस्टेंस। अब देखो इनपुट करंट मतलब कौन होता है, बेस करंट हमेशा इनपुट करंट होता है एंड उसके साथ होगा इनपुट रेजिस्टेंस। ओके सो इनपुट वोल्टेज मतलब क्या आएगा, दिस आई बी इंटू आर आई, आई बी इंटू आर आई। अब देखिए आई बी तो दिया नहीं है आई बी, पर यहाँ पे देखिए मैं आई बी इससे निकाल सकता हूँ, बराबर है। सो आई कैन फाइंड आउट हियर आई बी। ओके यहाँ से आई बी फाइंड करते हैं एंड आगे चल के उसका वैल्यू हमें काम में आएगा। ओके सो ये जो वी आई का वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आई बी इंटू आर आई। ओके सो 0.8 जैसे कि वैसे लिख दिया। आई बी बेस करंट है, बेस करंट हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा। देखो व्हेन आई एम गोइंग टू फाइंड आउट दिस बेस करंट, तो ये रिलेशन मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ आपका बेस करंट फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि बीटा का वैल्यू देखिए यहाँ पे मुझे दिया है ना, बीटा का वैल्यू इज़ गिवन 0.96। तो आई बी इंटू आर आई, अब देखिए इनपुट रेजिस्टेंस उसने मुझे दिया है, ये आर आई दिख रहा है यहाँ पे, इनपुट रेजिस्टेंस का वैल्यू है पर बेस करंट नहीं है। ओके तो आई बी कैसे आएगा यहाँ पे, आई बी इक्वल टू आई सी डिवाइडेड बाय बीटा, बराबर है। आई बी इक्वल टू आई सी डिवाइडेड बाय बीटा, फिर ये आएगा 1 डिवाइडेड बाय बीटा, कितना दिया है हमारे पास 0.96 दिया है ना, इट इज़ गिवन एज अ 0.96। ओके तो उस हिसाब से हम 1/960 लिख के इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो ये आएगा यहाँ पे आई बी कितना आएगा फिर हमारा 1/960, वो बेसिक कैलकुलेशन है आप उसको ट्राई कर सकते हैं, इनटू इनपुट रेजिस्टेंस कितना है 192। ओके इसको चलो सिंप्लीफाई करो, इसको अगर हमने सिंप्लीफाई किया तो ये आएगा 4, इसका कैलकुलेशन कितना आता है 4। यू ट्राई फॉर दिस कैलकुलेशन, अब ट्राई करके देखो। अब देखो हमारा वोल्टेज गेन आ गया 4, पर देखिए तीन ऑप्शन में 4 वोल्टेज गेन है, तो अब मुझे पावर गेन भी निकाल के देखना पड़ेगा, तब जाके मेरा आंसर यहाँ पे मैच हो जाएगा। पावर गेन निकालने को अगर हम गए, पावर गेन मतलब क्या होता है, वही आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर। ओके पावर का फॉर्मूला क्या है, पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर ना, पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर। अब देखिए आउटपुट पावर मतलब आउटपुट करंट लेना पड़ेगा ना, आउटपुट करंट कौन होता है, आई सी होता है, एंड आउटपुट रेजिस्टेंस कौन होता है, लोड रेजिस्टेंस होता है। इनपुट पावर कैसे निकालेंगे, आई बी का स्क्वायर, क्योंकि बेस करंट इनपुट करंट होता है एंड इनपुट रेजिस्टेंस आर आई होगा। ओके सो जस्ट सिंप्लीफाई दिस वन। अब देखो यहाँ पे आई सी का जो वैल्यू दिया है वो 0.001 है, उसका मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा। लोड रेजिस्टेंस आर एल 800 दिया है, लिखा है गिवन डेटा, क्रॉस चेक कीजिए। आई बी बेस करंट देखो 1/960 का स्क्वायर आएगा ये, इनटू आर आई इनपुट रेजिस्टेंस 192 है। देखिए इसमें से बहुत सारा कैलकुलेशन हमने ऑलरेडी किया है, इसको थोड़ा सा अगर हम अप्रोक्सीमेशन के लिए लेके जाते हैं तो पहले यहाँ पे देखिए ये जो पार्ट किया था हमने वो उसके साथ हम अगर उसको क्रॉस चेक करते या फिर मैचअप करते तो लगभग हमारा आंसर जो आएगा वो 4 के नज़दीक ही आएगा, मतलब 3 पॉइंट समथिंग।
थ्री पॉइंट समथिंग। अब देखिए इसका डॉट कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा आंसर मुझे यहाँ पे चाहिए कि फर्स्ट ऑप्शन फोर होना चाहिए एंड सेकंड ऑप्शन 3.4 के बहुत नज़दीक वाला जो ऑप्शन है वो हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा, क्योंकि अगर आपने कैलकुलेशन क्रॉस चेक किए तो ये आता है 3.84। ये कैलकुलेशन कितना आता है 3.84, सो उस हिसाब से मेरा ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आएगा।